हेलो, राम राम, नमस्ते सुंदर। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि घर में दो तो नए बच्चे आ चुके हैं, तो अब उसके लिए वही स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। दो दो बच्चों को संभालना इतनी आसान बात तो है नहीं, तो हम उसके लिए बना रहे हैं आज ड्राई फ्रूट के लड्डू कह लो या पंजूरी कह लो, तो जिससे कि शरीर में खून बढ़ता है और थोड़ी आफ्टर डिलीवरी स्ट्रांग बनता है शरीर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वो। आटा हम भून लिए हैं, पर सबसे पहले अब हम भूनेंगे बादाम। कुछ बादाम लिए हैं और खरबूजे के बीज लिए हैं, किशमिश लिए है, मखाने लिए हैं, तो सारी चीज़ें चलो दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये हम बादाम ले रहे हैं, हाफ के जी के अराउंड है ये लगभग, और इनको हम हमारा जो भैंस का देसी घी है उसमें भूनेंगे सारे बादाम को। ये डालते हैं घी में, सारे एक साथ ही डाल देती हूँ। धीरे धीरे करके इनको हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। लगभग 3-4 मिनट हमने बादाम को भून लिया है अच्छे से। अब ये भून के और मोटे हो गए हैं और इससे ज़्यादा हम नहीं भून लेंगे, अदरवाइज ये फिर जल जाएंगे। तो अब इनको अलग से निकाल लेते हैं। अब डालेंगे इसमें किशमिश, ये भी हाफ के जी के अराउंड है, थोड़ी सी कम है। इनको भी भून लेंगे सबको। और ये किशमिश भी हमारी सारी फूल चुकी है, तो अब हम इनको निकाल लेंगे बाहर एक थाली में। जल्दी से निकालते कभी जल ना जाए, ऐसे करके हम सबको निकाल लेंगे। और ये बीच में हमारे हॉल्ट लग गए हैं। हम गूंद के लड्डू बना रहे थे ड्राई फ्रूट्स वाले, पर अब क्रिशा हमें काम नहीं करने दे रही है। क्रिशा बिरच गई है बीच में, ये सो रही थी तो उठ गई है। अब जब ये फिर से शांत होगी, ऐसे खेलने लग जाएगी, तब हम बनाएंगे, है ना क्रिशा? हेलो बोल दो सबको, क्रिशा हेलो बोल दो। जीशा बोलेगी हेलो, बोलो जीशा। हेलो हेलो हेलो, क्या बन रहे हैं आज? लड्डू लड्डू, अम न्यम 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 न्यम। तो बेटा आप है ना, आप थोड़ी देर खेल लो, फिर हम लड्डू बनाएंगे, ठीक है? मैं के साथ खेलूं ना। तो अब हम वापस आ गए हैं और अब हम गोंद को मध्यम आंच पर भूनेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और जले ना। एक बार फूल जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इसको पीसेंगे। और अब हम इस गोंद को मिक्सी के जार में डाल के सारे को पीस लेंगे। आधा गोंद हमने मिक्सी से पीस लिया, अब आधा हम गिलास से पीसेंगे इसको थोड़ा दरदरा रखने के लिए ताकि मुंह में पता चले हल्का सा। ये हमारे भुने हुए आटे में हमने गोंद पीस के डाल दिया है। अब हम बादाम पीसेंगे और बाकी की चीजें पीसेंगे। तो सबसे पहले बादाम पीस लेते हैं। सबसे पहले ये बादाम पीस लेते हैं। ये गूंद वाले मिक्सी में ही बादाम डाल रहे हैं, थोड़ा दरदरा कर लेंगे, हल्का हल्का पीसेंगे बिल्कुल। ये हमने दरदरे से बादाम पीस लिए, इनको भी अब हम इसमें डाल देंगे। मुंह में खाएंगे ना तो मोटे मोटे आएंगे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम डाल देंगे इसमें मखाने, जो कि हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूती देता है। तो सारे मखानों को डाल के इनको तल लेंगे घी में। ओके, जीसा बोल रही है, जीसा भी खाएगी। तो पहले हम इनको भून लेते हैं, फिर डालेंगे पीस के। ये मखानों को भी हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। ये जब मुंह में जाएंगे तो बहुत ही क्रंची सा टेस्ट आएगा और हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इनको भी इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें कमरकस डालेंगे। ये कमरकस बेसिकली काला गूंदी होता है, ये कमर के दर्द के लिए यूज होता है। और 100 ग्राम हमने कमरकस लिया है, इसको भी तल लेंगे। झाड़
ये कमर का हमारा भुन चुका है, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और मिक्सी में पीस के डाल देते हैं। ये है हमारा कमरकस, इसको भी पीस लिया, इसको भी लड्डू में डाल देते हैं। अब ये हमारा मिक्सी में पिसा हुआ सूखा नारियल है, इसको भी हम घी में हल्का हल्का भून के फिर लड्डू में डालेंगे। ये अब भुने हुए सूखे नारियल डाल देंगे हम इसमें, और ये सारी किशमिश डाल देंगे। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 200 ग्राम खरबूजे के बीज, जिनको मगज भी बोलते हैं। ये सेहत के लिए तो हेल्दी होते ही हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी क्रंची लगेंगे, तो इनको बूंदी के लड्डू में तो डालते ही हैं, गोंद के लड्डू में भी डाल सकते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, कितनी हेल्दी चीज़ें इसमें गई है, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, देखने से ही मुँह में पानी आ जा रहा है। तो अब हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटे में अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए पूरे आटे में, और फिर हम इसमें घी डालेंगे। और ये वाले हैं गुड़ मिला के जो गूंद के लड्डू बना रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के, तो इसमें अब जाएगा घी हमारा, कम पड़ेगा तो फिर और डाल लेंगे। अभी के लिए इतना, ये है प्योर घर का बना हुआ घी भैंस का। अब मिक्सिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, सारे लड्डू को मिक्स कर रहे हैं अच्छे से, लड्डू के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर देखेंगे घी कम रहता है तो और घी डालेंगे और फिर इनको बांधेंगे। गोल गोल करवाएगी जीशा और जैसू। तो सही, अभी ये देखो अच्छे से बंद नहीं रहे हैं, तो अभी इनमें थोड़ा सा घी और जाएगा, फूट जा रहे हैं तो अभी और घी डालेंगे। ये लड्डू काफी महंगे पड़ने वाले हैं, हम लोगों को इतना महंगा सामान आ गया सारा। फाइनली अब हम इन लड्डू को बांधने लग गए हैं, ये वाले गुड़ के हैं और अभी जो खांड के बनाने हैं वो अलग रखे हुए हैं, उनमें घी डलेगा। तो ये लड्डू में बहुत ज्यादा खर्चा आ गया है, बहुत ज्यादा महंगा महंगा सामान डला है और बहुत ज्यादा घी लग गया है। तो अगर आप लोगों के पास घर का घी हो तो ही ये स्टंट ट्राई करना, नहीं तो ये स्टंट बहुत महंगा साबित होगा। साबित नहीं मां साबित, खाने में तो बहुत टेस्टी है पर ना, खर्चा ज्यादा आ गया। हाँ, पर मैंने टेस्ट करके नहीं देखा है, मेरे टेस्ट के बिना कुछ नहीं, लेकिन मैंने करके देखा। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह कर देना भर भर के।